नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और अपडेशन ऑफ पेंशन, बैंकर्स के बैंक पेंशनर्स रिमेन जुबिलेंट, अपडेशन ऑफ पेंशन, इस संबंध में एक डिटेल राइट अप श्री सी एन वेणुगोपालन सर ने लिखा है और इसका मैं लिंक दे रहा हूं, जिसको आप पूरी पूरा 4 पेज का यह पत्र है जिसे आप देख सकते हैं। मैं इनिशियली आपको बताता हूं, एमसी सिंगला केस एसएलपी 5561 ऑफ द 2016 विल बी हर्ड ऑन 13 फरवरी 2024 बाय द सुप्रीम कोर्ट। बैंक पेंशनर शुड बी हैप्पी दैट द टू पॉसिबल कंटेंशंस ऑफ द बैंक आईपीए इन द एसएलपी कुड ओनली बी, फर्स्ट, देर इज नो प्रोविजन फॉर अपडेटिंग ऑफ पेंशन इन द बैंक एम्प्लाइज पेंशन रेगुलेशन 1995. सेकेंड, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, हार्डशिप, शॉर्टेज डू नॉट परमिट टू इम्प्लीमेंट अपडेटिंग ऑफ पेंशन टू ऑल द पेंशनर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट। कंटेंशन वन और फिर कंटेंशन टू, इन दोनों के बारे में एलाबोरेटली उन्होंने कोट किया है और ये बताया है कि हमारे लिए क्या फ्रूटफुल होगा। लेकिन और लास्ट में उन्होंने लिखा है, टू क्राउन एवरीथिंग द व्यू टेकन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अनदर वर्सेज ओपी गुप्ता एंड अदर्स हैज बीन दैट इट इज सेटल्ड लॉ दैट व्हेन फाइनेंशियल रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट सच एज पेंशन रूल्स आर capable of more interpretations than one, the courts should lean towards that interpretation which goes in favor of the employee. Paragraph 28 में लिखा है, in view of the above, there is a light at the end of the tunnel and all bank pensioner can rest assured that the Honorable Supreme Court will reach them the nectar of justice to put an end to their dark days of the plundering and the exploitation shortly. जैसा कि कॉमरेड सी एन वेणु, हमारे जो वरिष्ठ पेंशन एक्टिविस्ट सी एन वेणुगोपालन सर ने कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन हम इसके बारे में जो डिटेल इन्होंने लिखा है आपका लिंक दे रहा हूं, उस लिंक के जरिए आप देख सकते हैं। हाँ, ये कोइंसिडेंस है, 13 फरवरी को एमसी सिंगला केस भी लगा हुआ है और 13 फरवरी को ही हमारा 12th बाइपार्टाइट 9 ज्वाइंट नोट का नेगोशिएशन हो रहा है। और यह उम्मीद की जाती है कि जो बचे खुचे हमारे इश्यूज हैं, यानी कि 12th बाइपार्टाइट और 9 ज्वाइंट नोट के, वो एक तरह से सब आईबीए और यूबीयू के बीच में एक मंत्रणा बन चुकी है और उसको केवल ओके करना है। यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 13 तारीख को लेट नाइट तक इसका एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन क्या 13 तारीख को एमसी सिंगला केस, जो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि होल डे प्रोसेस है सुनने का, हियरिंग का, क्या उसमें भी कुछ कोर्ट के द्वारा एक सही डिसीजन आने की उम्मीद है? ऐसा लग, अब हमें केवल वेट एंड वॉच की स्थिति है और हम उन 13 तारीख का इंतजार करेंगे। शायद वर्किंग एम्प्लॉयज के साथ साथ पेंशनर्स की भी कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही है। देखिए, नमस्कार।